हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सैनी पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपने भी इस बार यूपीएससी सीएमएस 2024 का एग्ज़ाम दिया है और साथ में अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा कि भाई आखिर आपका लास्ट 5 पेज जो आपका रिजल्ट पैटर्न है वो कैसे क्या रहा था, आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ था और उसके कितने दिन बाद में आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया था, तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट लास्ट 5 पेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले अप टू डेट मिलती रहे तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ विकास सैनी को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने लास्ट 5 ईयर आ रिजल्ट पैटर्न है, जो आपका लास्ट प्रीसेयर पैटर्न है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। चलिएगा इनको हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 करके। तो सबसे पहले आपका सीएमएस 2023 है, तो 2023 के अंदर आपका जो एग्जाम डेट है वो कंडक्ट होता है 16 जुलाई 2023 को। 16 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट होता है और इसका जो रिजल्ट है वो जारी होता है 28 जुलाई 2023 को। मींस एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद में करीबन लगभग 12 से 13 दिन बाद में, अप्रोक्सीमेट 12 से 13 दिन बाद में जो रिजल्ट वो जारी कर दिया गया था। इसके बाद में आपका सीएमएस 2022 है, तो इसका जो एग्जाम है वो 17 जुलाई 2022 को कंडक्ट होता है और रिजल्ट 18 अगस्त 2022 मींस करीबन 1 मंथ बाद में जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। अब आ रही है सीएमएस 2021 की, तो 2021 के अंदर एग्जाम डेट 21 नवंबर 2021, रिजल्ट डेट 30 दिसंबर 2021, मींस अप्रोक्सीमेट आपका लगभग 40 दिन के आसपास वो टाइम लगा था रिजल्ट में आने के लिए। रिजल्ट को आने में 40 दिन का टाइम लगा था अप्रोक्सीमेट लगभग। अब इसके बाद में सीएमएस 2020, एग्जाम डेट 22 अक्टूबर 2020, रिजल्ट डेट 12 नवंबर 2020, राइट। अब इसके बाद में सीएमएस 2019, तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो था 21 जुलाई 2019 है। 21 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और रिजल्ट है वो 10 अगस्त 2019 को जारी कर दिया जाता है। तो ये आपका लास्ट फाइव ईयर जो आपका रिजल्ट पैटर्न है कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को कंडक्ट हुआ था और रिजल्ट है वो इस डेट को जारी किया गया था। और साथ ही में अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सीएमएस 2024 का 14 जुलाई 2024 को, यानी कि आज के दिन, तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या हो सकता है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने आपका कंप्लीट एक वीडियो बना दिया गया है। अगर आपने अभी तक उस वाले वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर आपको और अधिक जानकारी वो देखने को मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।